वीवी टेक विजन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको अल्ट्रा स्लिम टीवी में कलर पैच की प्रॉब्लम ठीक करना सिखाऊंगा। आप देख सकते हैं ये आपके सामने ये कलर के पैच बन रहे हैं, इसको किस तरीके से रिपेयर किया जाता है मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम डिगोजिंग के काम ना करने की वजह से आता है। आज मैं आपको इसको डिगोजिंग क्यों काम करना बंद कर देता है और ये कलर का पैच क्यों बन जाता है ये मैं आपको समझाऊँगा। आइए आप टीवी को खोल लेते हैं। दोस्तों मैंने टीवी खोल लिया है। मैं आपको सबसे पहले इसकी डिगोजिंग के बारे में बताता हूँ। आप देख सकते हैं ये जो तार देख रहे हो आप, ये पूरे पीछे ट्यूब में लपेटी हुई होती है, ये डिगोजिंग की कॉइल होती है। और इसका ये जो कॉइल का जो मेन पॉइंट तार होता है ये इस किट पे जाके इस तरीके से लगा होता है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इसकी तार को बाहर निकालेंगे जैक को और इसको चेक करेंगे। मैं इसको कंटिन्यूटी में कर लेता हूँ मीटर को। आप देख सकते हैं इसमें बजर बज रहा है। ये जो लीड है मल्टीमीटर की, दोनों लीड इस सॉकेट में लगा लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें बजर बज रहा है। तो ये हमारा डिगोजिंग कॉइल पूरी तरह से ठीक है और सही से काम कर रहा है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर का देख रहे हैं, इसे PTC बोलते हैं। जब ये काम करना बंद कर देता है तो हमारा डिगोजिंग भी काम करना बंद कर देता है, क्योंकि इसकी जगह से यहाँ से सप्लाई जो डिगोजिंग में जाती है और हमारे पिक्चर ट्यूब में जो स्क्रीन के आगे कलर के बादल बन जाते हैं, जिसे पेच भी बोलते हैं और कलर के बादल भी कह सकते हैं आप, उस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमारा जो ये डिगोजिंग कॉइल है ये तो ठीक है, तो प्रॉब्लम हमारा यहाँ हो सकता है, क्योंकि इन्हीं दो पार्टों की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम आती है। आइए इसको चेंज करके देखते हैं। दोस्तों ये मेरे पास PTC है पत्थर वाला। PTC दो तरह के आते हैं, आप देख सकते हैं ये मेरा पत्थर वाला है और उधर आप देख सकते हैं ये ब्लैक वाला है। ये ब्लैक वाले में तीन टांग वाले भी आते हैं, दो टांग वाले भी आते हैं, और मगर मेरे पास ये दो टांग वाला है तो मैं इसी को लगाऊंगा। आपको मैं ये चेक करके दिखाता हूँ इसको किस तरह से चेक किया जाता है। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी की रेंज में सेट कर लेंगे और मल्टीमीटर की दोनों तारें इसमें टच करेंगे। आप देख सकते हैं टच करने पर इसमें 25 ओम के आसपास रेंज दिखा रहा है। ये 25 ओम की जगह 30 ओम भी हो सकता है, 20 ओम भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है और 10 ओम भी हो सकता है। अगर 10 ओम से नीचे है तो हो सकता है कि आपका PTC शॉर्ट हो। 35 की रेंज तक लास्ट होता है इसका, उससे ऊपर हो तो आप PTC चेंज कर दें। दोस्तों मेरे इस किट में तीन टांग का PTC लगा हुआ है, मेरे को इसमें दो टांग का PTC लगाना है। आपको मैं बताता हूँ इसके दो टांग का PTC किस तरह से लगेगा। आप देख सकते हैं ये जैक है जो डिगोजिंग कॉइल की थी, तो ये जो मेन पॉइंट होता है इसको हमें छोड़ देना है, और जो ये इधर वाला साइड वाला और इसके बीच वाला, इन दो पॉइंट पे हमें इस तरीके से इस PTC को लगाना है। अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो ये आपका काम नहीं करेगा, तो आपको इस तरीके से लगाना है, जो इस पॉइंट को छोड़ देना है जो मेन पॉइंट है, और इसको सीरीज में ले लेना है इसको इस तरीके से। आइए मैं आपको इसको लगा के दिखाता हूँ। इस तरीके से हम आयरन से इसको निकाल लेंगे। ये हमने इसका प्रिंट साफ कर लिया। हमारा ये PTC है, ये हमें किस तरीके से लगाना है ये मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे। ये हमारा लग चुका है। इस तरीके से ये PTC लगेगा। आपको बस ध्यान ये देना है, आपको इन पॉइंट पे नहीं लगाना है PTC, आपको इस तरीके से लगाना है। अब मैं आपको इसको चेक करके दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने ये TV ऑन कर लिया है। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो कलर की प्रॉब्लम थी वो पूरी तरह ठीक हो चुकी है। ना तो इस साइड में आ रहा है ये कलर, ना तो इस साइड में आ रहा है। ये हमारा पूरी तरह से इसका ओके हो चुका है और जो हमारा डिगोजिंग काम नहीं कर रहा था वो भी काम करने लगा है। दोस्तों इसमें इस फॉल्ट को रिपेयर करने का एक तरीका और भी है, चाहे तो आप इसको मैग्नेट की मदद से भी कर सकते हैं, मगर वो टेम्परेरी होगा। उसके लिए आपको एक मैग्नेट लेना पड़ेगा, जो कि मैं बताता हूँ आपको इस तरीके से, जो स्पीकर के चुंबक होते हैं उसको आप इस तरीके से इसको करेंगे तो आपके जो मैग्नेट का दबाव बन रहा था इसके अंदर वो ठीक हो जाएगा, मगर उसको टेम्परेरी कहेंगे।
क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम होती है इसकी डिगोजिंग ना काम करने की वजह से जो प्रॉब्लम आती है उसको ठीक करना ज़रूरी है। अगर आप टेम्परेरी तरीके से ठीक करेंगे तो हो सकता है ये दोबारा कलर की प्रॉब्लम आ जाए। दोस्तों, मैं इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।